बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने सामान पर पीके से एक हेल्पी ऑर्डर की थी, जो उसका हाल ही मैंने ये रैपर ओपन किया, लेकिन ये अभी ये ओपन नहीं की, तो इसको रखा साइड पे और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने सामान पर पीके से तकरीबन एक हफ़्ता पहले ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे इसे अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिला था, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं फिर इसे आज इस टाइम ओपन कर रहा हूँ, वो भी रात के 2 बजे। तो इसे खोलते हैं, देखते हैं अंदर जो हैंडफ्री निकल रही है वो वर्थ है इतनी की। 1500 रुपये की मुझे ये मिली है और डिलीवरी के साथ 1700 रुपये की, और तकरीबन मुझे एक आधे दिन में ये रिसीव हो गई थी। तो सामान डॉट पी के आपको पता ही है, ये बिलाल मुनीर वीडियो वाली सरकार, ये उनका स्टोर है, और मैंने पहली बार सामान डॉट पी के से कोई चीज़ ऑर्डर की है। मेरे पास ऑडियन की N210 सिग्नेचर हैंड फ्री है मेरे पास, और जो कि ये है, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा जल्दी। तो इसको मैंने यूज़ किया तकरीबन 1 महीने तक, उसके बाद मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको बता सकूँ कि इसके अंदर क्या क्या मसले हैं और मेरे साथ जो मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर आई है वो क्या है। तो इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा जल्दी, फिलहाल मैं पहले इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये मैंने किसी और के लिए ऑर्डर किया, अपने फादर के लिए, तो मैं देखता हूँ कि मैं उन्हें ये वाली देता हूँ या फिर वो N210 देता हूँ सिग्नेचर सीरीज। तो इसको इधर से ओपन करते हैं, ऊपर से देखते हैं जी इसमें क्या है। तो बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, खाली है। ये एक मिलता है आपको मैनुअल, इसके ऊपर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं। बाकी एक इसके अंदर चार्जिंग केबल है, जो कि आप देख सकते हैं टाइप सी तो नहीं है, और USB केबल है, और ये हैंड फ्री है। इसके साथ ये एक्स्ट्रा एयर टिप्स हैं 4, आप अपने कान के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये वो पैक होके हैंड फ्री है, ये जो मैंने ऑर्डर की थी, लिनोवो इसका नाम है, नेक बैंड लिनोवो HE05। और इसके ऊपर जो इसकी लिखी हुई हैं स्पेसिफिकेशंस वो देख सकते हैं, नेकबैंड एयर फोन HE05, सिलिका जेल नेकबैंड मेटल शेल, IOS इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्ले, वॉल्यूम टेक्टाइल प्लेयर, पॉज प्ले, आंसर हैंग अप, ब्लूटूथ 5.0 है, और बैटरी कैपेसिटी इसकी 1.105 mAh है, प्ले टाइम इसका 6 आवर्स है, और स्टैंड बाई टाइम इसका तकरीबन 120 घंटे है। तो हॉर्न डायमीटर 10 mm, और स्पीकर सेंसिटिविटी 98 decibels, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज है इसका 20 to 20 km, हैज़र्ड्स है, और डिस्टेंस इसका 10 मीटर से लेके 10 मीटर के वेरियर तक है, और वेयरिंग मेथड है नेक बैंड इन एयर। तो बाकी चलें इसको ओपन करके देखते हैं। ये काफ़ी, ये जो मेरे पास दूसरा बैंड है जिसका नाम है सिग्नेचर 210 ऑडियोनिक का, ये उससे काफ़ी लाइट है, और उसको अगर मैं ऐसे ऐसे मोड़ के छोड़ूँ तो वो सीधी हो जाती है, जबकि ये सीधी नहीं हो रही, तो ये टेंगल हो रही है, आपस में मिक्स हो रही है। तो इसके साथ ये यहाँ पे इसकी केबल लगती है, और ये इसकी USB केबल है, इसके लगा के देखते हैं यहाँ पे कि इजीली लग जाती है या नहीं लगती। तो ये इजीली लग जाती है, ये इसके जो मैग्नेटिक हैं आपस में ये जुड़ते हैं, और ये मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली फीचर। आपकी अगर गर्दन के साथ हैंग रहती है तो ये गिरने का खतरा इससे कम रहता है। तो इसको ऑन करते हैं, इसको इन करते हैं पहले, इसको ऑन करके देखते हैं, यहाँ से लॉन्ग प्रेस करते हैं और ये ऑन हो रही है। ये देख सकते हैं आप, वाइट लाइट जल रही है, रेड हो गई है और फिर वाइट ब्लिंक कर रही है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं मोबाइल के साथ। तो अभी ये इसके ऊपर, यहाँ पे लिनोवो की ब्रांडिंग है, ये 3 बटन है इसके ऊपर, एक के ऊपर प्लस है, ये पावर का बटन है और ये माइनस का बटन है, यानी वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर ऑन ऑफ। तो इसके जो बकाया इन बटन के साथ फंक्शन है वो भी यहाँ पे मेंशन होंगे, लेकिन हमने पढ़ने तो है नहीं, तो खुद ही हम लोग वो करके देख लेंगे। वैसे ये लिखा हुआ है लॉन्ग प्रेस 2 सेकंड्स टू प्रीवियस सॉन्ग, और लॉन्ग शॉर्ट प्रेस 1 सेकंड रिड्यूस वॉल्यूम, शॉर्ट प्रेस मल्टीपल फंक्शन बटन, और क्विक प्रेस क्विकली प्रेस, शॉर्ट प्रेस, लॉन्ग प्रेस 2 सेकंड टू नेक्स्ट सॉन्ग, शॉर्ट प्रेस, ये सारे आपके बटन के फंक्शन लिखे हुए हैं, आप पढ़ के इनको देख सकते हैं। वैसे भी आप जब यूज़ करेंगे तो आपको वैसे पता लग जाएगा कि इसके अंदर फंक्शन क्या है। ये इसकी एयर टिप्स हैं, अपने कान के हिसाब से सेट कर सकते हैं आप, ये 4 है, मैं इन्हें ओपन नहीं करूँगा, आप अपने कान के हिसाब से इन्हें लगा सकते हैं ये उतार के। तो ये मैगनेट नॉर्मल ही है, स्ट्रॉन्ग मैगनेट नहीं है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो एक गिरने से पहले पकड़ लेता। बहरहाल ठीक है, 1500 रुपये में इतनी आपको इस तरह की हैंड फ्री मिल रही है तो ये ठीक है। मैं इसको गर्दन में पहन के देखता हूँ कि इसका कैसा फील है। तो ये गर्दन में क्लोज आ रही है, ये तो मैं इसको, तो ये गर्दन के साथ बिल्कुल सामने नज़र आती है शर्ट के अंदर से आपको, क्योंकि मेरी सिग्नेचर 210 है वो नज़र नहीं आती। तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता ये पहनी हुई, लेकिन बहरहाल ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये स्वेट प्रूफ है या वाटर प्रूफ है, लेकिन जो दूसरी मेरी सिग्नेचर है उसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन है, और वो स्वेट एंड वो प्रूफ है। बहरहाल आप अगर सस्ती एंड फ्री ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, और ये टेंगल फ्री भी है, कोई आपस में जुड़ नहीं रही है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं।
ये वीडियो थी, बाद में मैं इसकी अनबॉक्सिंग के बाद इसकी एक और वीडियो शायद लेके आऊँ रिव्यू, कि ये इसकी कनेक्टिविटी कैसी है और इसका बैटरी टाइम कितना है या क्या है अगर मैंने इसे यूज़ किया। अव्वल शायद मैं इसे यूज़ ना करूँ, बहुत थोड़े दिन के लिए यूज़ करूँ और इसे मैं अपने फादर को भेज दूँगा, तो अगर मैंने यूज़ की तो फिर मैं इसकी एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे मैं सिग्नेचर सीरीज़ 2N210 जो कि मेरी दूसरी हैंड फ्री है, जो तकरीबन इस टाइम 4000 रुपये की मिल रही है ऑनलाइन, तो मैं उसके बारे में रिव्यू लेके आऊँगा अनबॉक्सिंग। तो आप उस वीडियो अगर वो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जब वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।